हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। इससे पहले हमने लेक्चर वन में ये देखा कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली में मॉलिकुलर ऑर्बिटल है क्या। आज हम इनसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल जब दो सेम एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं तो मिलने का जो तरीका होता है वो या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में होता है तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को बनाता है, और अगर वो डिस्ट्रक्टिव मैनर में होता है तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को बनाता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, इनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं आपको इनको दिखाऊं कि बॉन्डिंग कैसा होगा तो आप यहाँ देखिए, अगर एस से मैं हमने एस को मिलाया तो डेफिनेटली उन दोनों का इंट्रैक्शन बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री है, और वो बनने के बाद उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसे हमने बोला है म्यू जी रेड, क्योंकि इन दोनों के सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अवेलेबल है, और इसको हमने बोला है बॉन्डिंग। मतलब ऐसा करने के बाद जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और उसके बीच में जो उसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगी तो आप यहाँ देखिए, अगर एक ऑर्बिटल ऐसा था और दूसरा ऑर्बिटल ऐसा था तो जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बना वो ऐसे करके ऐसे बन गया। इतना बड़ा एरिया जो बनता है ये बॉन्डिंग को शो करता है इसके अंदर, और ये बॉन्डिंग को दिखाने का तरीका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, तो देखिए ये जो ओवरलैपिंग के बीच की जो डेंसिटी है यही इस वाले एरिया में रिप्रेजेंट की गई है। तो इसका मतलब बॉन्डिंग कुछ कुछ इस तरीके से होता है कि हम दो लोग जो इंट्रैक्शन कर रहे हैं उनमें सारी कंडीशंस अगर मिल जाती हैं तो उसे हम बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बाद अगर आप हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को देखना चाहें, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब हमने किया है तो यहाँ जो मेरे दोनों ऑर्बिटल्स हैं उसमें दोनों में जो फेजेस हैं वो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव है। यहाँ जो ये पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पॉजिटिव साइन है या धनात्मक कुछ शो कर रहा है या कुछ जुड़ रहा है। ये एक वेव फंक्शन है जो एक तरफ से पॉजिटिव होता है और दूसरी तरफ से नेगेटिव होता है। यहाँ मिलने वाले दोनों ऑर्बिटल सेम सिमेट्री में है। अब हमने जब एंटी बॉन्डिंग दिया है तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ जो दूसरा ऑर्बिटल्स है उसमें एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव मेंशन है। इसका मतलब ये जो दो ऑर्बिटल है सेम सिमेट्री में नहीं है, और इसके बाद इनको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इस बीच वाली लाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसने खींची हुई है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसने खुद ने खींची हुई है। इसका मतलब ये एक जगह क्यूमुलेटिव जगह पर कहीं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देते। तो इनको दिखाने का एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये हुआ, अगर हम वेव से वहाँ पर हमारे ऐसे करके एक एरिया आ गया था जहाँ हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाया था कि यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लेकिन स्टूडेंट इस केस में आप देखिए, एक वेव अगर ऐसे चलना चाहती है तो दूसरी ऐसे है, तो मतलब बीच का जो एक एरिया ऐसा भी होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ही नहीं, और उसे हम नोड बोलेंगे। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक नोड हमेशा होगी जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसको दूसरा हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीसरा तरीका आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ये दोनों हो गए और बीच में एक नोड आ गई। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, उनके सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अपोजिट पाए जाते हैं। अगर हम ऐसे इनको दिखाना चाहें, द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई पुट द इलेक्ट्रॉन इन अ पोजिशन वेदर इट इंट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली विद बोथ न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये दोनों ही न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट करती हुई होगी, तभी वो बॉन्डिंग माना जाएगा। न्यूक्लियस आर शील्डेड फ्रॉम ईच अदर,
उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस है देखो वो ऑलरेडी शील्डेड है, बट फिर भी वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ लोअर, और ऐसा करने के बाद जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा कम हो जाती है। और देखिए आप, अगर मैं इसको बताऊँ, जो मेरी एंटी बॉन्डिंग था, द इलेक्ट्रॉन इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटर न्यूक्लियर रीजन, यहाँ से सारी डेंसिटी को गायब कर दिया गया और उसको डिसस्टेबलाइज मतलब अलग अलग जगह पर छोड़ दिया गया। तो ये जो कंडीशन होती है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की होती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन देयर आर टू रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स, अगर दो मिलेंगे तो दो ही बनेंगे। इसको आप देखिए, एक 1s इधर है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s इधर है, तो उसको मिलाने के बाद एक बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल बन गया। मतलब अगर दो ऑर्बिटल थे तो मुझे रिजल्टेंट भी दो ही ऑर्बिटल्स बने हैं। उनको दिखाने का तरीका कुछ ऐसे भी हो सकता है और कुछ ओवर ऐसे भी हो सकता है। हाई बॉन्डिंग लो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा कुछ ऐसे होंगे, और जो हाई बॉन्डिंग एंटी ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा ऐसे होंगे। एंटी बॉन्डिंग में मतलब जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों सेम शक्ल के नहीं आए हैं, इसीलिए वो एंटी बॉन्डिंग है। जबकि बॉन्डिंग में आप देखिए दोनों की सेम शक्ल है, इसलिए इन दोनों से मिलके बनने वाला जो ये ऑर्बिटल है ये लोअर एनर्जी का हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों से जो मिलके ऑर्बिटल बना वो लोअर एनर्जी का मिला, और जबकि अगर इसका अपोजिट मिलके बना तो वो हायर एनर्जी का बना, मतलब एंटी बॉन्डिंग बना। द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज समटाइम गिवन द नोटेशन म्यू एस बोल दो या म्यू पी बोल दो, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एंड वेयर द जीरेड स्टैंड म्यू एस, सॉरी नहीं, म्यू जीरेड बोल देंगे हम इसे, वेयर जो जी होता है वो स्टैंड करता है जीरेड के लिए, और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन। द साइन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इंडिकेट द साइन ऑफ वेव फंक्शन, नॉट आयनिक चेंज, उसमें कोई आयनिक चेंज नहीं आता है, बल्कि वो उसकी सिमेट्री को, वेव फंक्शन को, मैंने आपको पहले ही बोला जो पॉजिटिव साइन है उसको हमको जोड़ना नहीं है, बल्कि वो उस जगह की सिमेट्री को बता रहा है कि वहाँ जो सिमेट्री है वो कैसी सिमेट्री है। ये बात हमने करी है बॉन्डिंग ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखेंगे तो द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज समटाइम गिवन द नोटेशन म्यू अनजीरेड, ये उसका सिमेट्री होता है, वेयर द जी स्टैंड फॉर अनजीरेड और एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन। द साइन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इंडिकेट द साइन ऑफ द वेव फंक्शन, नॉट आयनिक चेंज। तो आज हमने आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो चीज़ें हैं, वो जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनके नोटिफिकेशन और उनको दिखाने के तरीके बताए। थैंक यू वेरी मच।